कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें की, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों को सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे। पहली बार तो लालू जी ना इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ, आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है, जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया। और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से एससी एसटी ओबीसी आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा, जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी देवी जी की सरकार ने बनाया था, कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान दी चाहिए। आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में बीपी सिंह जी को गाली खाना पड़ा, यह जानना चाहिए इतिहास। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे, या संगत का सर है या पार्टी का सर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। अब कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन।